देह गोप मन मथुरा आत्मा वृंदावन झुरे हरे हरे वंदे गुरुं पदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदं सहोदितं श्री नंद नंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समावृतं वृंदावन मनोहरं तव कथामृतं तप्त जीवनं अविवेरेडितं पालमसापहं श्रवण मंगलं श्रीमदातसं भूपि क्रोणन्ति ते भूरितजना नंद नंदन जसोदा जीवन हे दामोदर हे श्री माधव हे श्री माधव हे श्री माधव परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणाबारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णववृंद शुद्धि भक्तवृंद समस्त चरण रे अधम यथाथ प्रणाम स्वीकार हो। प्रियात्मन आम मैंने चर्चा करुले अजामिलर दुरावस्था अजामिल श्रुति संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण तो थिला ब्राह्मण कुळरे उच्चकूलरे जन्म नहीं थिला किंतु जंगल को बापांकर आदेश रे फल पुष्प समिध कुशपाय तो जाइथिला फेरिबा समय रे गोटे दृश्य को देखिला ददर्श कामिनम किंचित शूद्रम सह भुजिशया इ शूद्र सहित गोटे कामिनी भोग करुथवार नग्न दृश्य को देखिदेला किंतु देखिबा परे ता भितरे कामर उत्तेजना आसिला एवं अजामिल निजर मन निजर चित्त को सेथिरे लिप्त करिदेला संलग्न हेगला किंतु ता पूर्वरु से निज को बंचेबा पई निज द्वारा करिथिबा कर्मकांडर समस्त जोग को प्रयोग करिछि एवं ज्ञान मार्गर समस्त पाइथिबा फल को सेठी उपयोग करिछि किंतु हेले मध्य अजामिल सफल हेलानी वरम न ससाक स्तंभयनम समाधातुम काम बाणरु काम वासनारु दूरीभूत हेबा पई सेठी ताकु कर्म मार्गर फल ताकु चेतावनी दउछि जेतिक पुण्य से रोजगार करथिला कि बेटा ये तो पे अयोग्य ये तोर दर्शनीय नुह तू हटि जा किंतु न ससाक समर्थ हेलानी आउ गोटे कहले जथा श्रुतम जहाँ सब शुणी ज्ञान मार्गर ज्ञान जहाँ सब ता भितर थिला कि बेटा या शुणा पर तू पतन हो तोर ब्राह्मण धर्म नष्ट तू धीरे धीरे पतित हो सबकि तार ज्ञान ताको विवेक उदय करुची चेतना दौची किंतु हेले मध्य सी से दूरे पारुनी तार कारण कौन सज्जन कारण यही जगत रे
कामरु काम को जय करिवा को हेले काम विजय करिवा को हेले भगवत भक्ति मार्ग को आश्रय नेवा को पड़िवो। कारण कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग देखा जाए सौभरी ऋषि एते तपस्या करिवा परे मध्य जे जल भितर तपस्या करुथिले किंतु माछ मानकर मैथुन क्रिया देखि से पुनर्बार विवाह कले। ज्ञान मार्ग देखा जाए अनेक ऋषि विश्वामित्र आदि पतन ही पतन होती तेबे किंतु भक्ति मार्ग देखा जाए किंतु भक्त सी पतन जदि बाइचान्स हो जाती उत्थान ही अते जदि जड़े भगवान शरणापन्न न होती भगवत भक्ति मार्ग को न आपण तेबे काम बेगरु काम बासनारु ऊपर को उठवा बहा मुश्किल। तेणु तो भक्तिविनोद ठाकुर निजे कही प्रभु आम को प्रार्थना करने को पड़ो कारण ये काम ही जगतर सबु शत्रु को ही शत्रु मानू तैयारी कर दिए। बाहर शत्रु को विजय लाभ करवा अत्यंत सहज साधन सदृश सदृश सज्जन किंतु निज भितर जो शत्रु प्रकट हूँ काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ताकू जय करवा एत साधारण नुह। भगवान निजे भगवत गीतारे मध्य कहिचंदी धूमेना ब्रियते बन्ही कि धूमा द्वारा धुआं द्वारा जिमती अग्नि आवृत हो जाए जथा उल्लेन गर्भ उल्लेन जथा आवृत जिमती जालिका द्वारा गर्भ आवृत हुए से भली भावरे कामेन तथा इदम ए पूरा जगत काम द्वारा से भली भावरे आवृत रहे आवृत अच्छी एवं काम को जय कराई कौन दरकार देखत कौन कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता सह जीवर जी बने पथे वसी असत चेष्टार जुफा से पथी के धर्म नासे प्राण लय करे कसा कसी प्राण लय करे कसा कसी मन तुम्हें धर धर वाक्य मोर सब बाट पाड़ अतिशय दुनिर्वार जखन घे रिया करे जोर मन तुम्हें धर मन वाक्य मोर। मन शिक्षा रे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहिसंदि कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता सह जीवर जीवने पथे बसी असत चेष्टा रज्जु फासे पथिकेर धर्म नासे प्राण लय करे कसा कसी। काम प्रथमे हृदय रे तैयारी हुए आउ ए काम ही तार दुईटी संतान गोटे होची क्रोध आउ गोटे होची लोभ। जदि काम पूरिलानी काम बासना जदि दूर नहेला सेथिरे जे बाधा देला ता प्रति उत्पन्न हुए क्रोध। आउ जदि बासना भावना कामना पूर्ण हो गला तेबे ताहा प्रति उत्पन्न हुए लोभ। अतेबे काम ही बीज काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान भगवत गीता रे कहउचंदी कामर ही दुईटी संतान गोटे हूँ क्रोध आ गोटे हूँ लोभ एवं अन्य गुड़ाक केमी उत्पन्न हूँ छ शत्रु एवं ताको जय करवा किपर से चर्चा करवा। क्रोध हूँ जदि काम पूरण करिवारे जे बाधा देले ता प्रति आम भितर क्रोध आसे आउ कामर को जी पूरण कर दिए आम भितर लोभ आसे आहुरी अधिक रु अधिक पाइबार आशा को कहुए लोभ। काम क्रोध लोभ आउ तापरे जो माने आमर काम को पूरण करिवारे लागंती से मानक प्रति आमर आसक्ति हुए
ताकु कहुए मोह आउ मद आउ से मोहित जो माने आमर मोहर वस्तु से माने जत्ते बेले आम साथी रे व्यक्ति हुंतु कि वस्तु हुंतु से माने आम साथी रे थिले आम भितरे अहंकार आसे मदमत्तता आसे ताकु कहुए मद अभिमान एवं मत्सरता मत्सरता माने जो माने आमर विरोध कले से मानक प्रति तो क्रोध हुए आम काम पूरण पाई जी आमको बाधा देले से मानक प्रति क्रोध हुए आउ क्रोध हेबार जेते अधिकरु अधिक से मान सहित संलग्न रहिले से मानकर विनाश आमे चाहूँ बा से मानक प्रति मत्सरता जात हुए मत्सरता माने मत सरति इति मत्सर तस्य भाव माश्चर्य मोठारु आगु को पलेला सरति माने प्रसरति आगु को जीवा मोठारु आगु को पलेला तबे सेवानक प्रति मत्सरता जात हुए सज्जन ए छटा जाक शत्रु होचंदी निज हृदय रे शत्रु किंतु ए आरंभ हुएंती कामरु तनो काम को बीज बोली कहा जाई तनो रघुनाथ दास गोस्वामीपाद कहउचंती काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता सह जीवर जीवन पथे बसी जीवर जो जीवन पथ अछि सेथरे से माने बसंती आउ बसी कण करंती ये काम क्रोध चुपचाप बसंती नी से माने असत मार्ग रे तंकु चेष्टित कराती जीव को तनो असत चेष्टा रज्जु फासे आउ असत चेष्टा रूपक रज्जु रे ताकु फसेई दियंती व्यक्ति कामर वशीभूत है क्रोधर वशीभूत है लोभर वशीभूत है असत चेष्टा आड़कू दौड़े असत चेष्टा रज्जु भाषे फलतः पथिकेर धर्म नाशे पथिकर जहाँ धर्म थिव कर्तव्य अकर्तव्य विवेक उदय हो पारेनी बरम पथिकर धर्म को से नष्ट कर दिए प्राण लय करे कसाकसी प्राण को निये से कसाकसी कर दिए टाण टुणी केवल करे सज्जन एवं तेणु विचार करार अच्छी आउ यही काम होची मनर प्रथम शत्रु कहुए मनर प्रथम शत्रु जी मनसीज काम मन कहुए खाली मन सैतानर घर आ सैतान माने ये काम ही मन जदि खाली रहिला आउ एकुटिया रहिला से काम आड़क ही जाए कारण आमे माने अलरेडी पूर्व पूर्व जन्मरे अनेक थरई आहार निद्रा भय मैथुन कामर वशीभूत होले तेणु आम मन खाली रहिला माने सी निश्चित भावरे से काम आड़क ही गति कर जय करिवार उपाय कौन सज्जन सज्जन सुविधा विचार सहज साध्य हो केवल भक्तिर आश्रय नवा उचित आमर देखिए भक्तिमीन ठाकुर से कहते काम बेग जे क्रोध बेग वचन बाच बेग मन बेग क्रोधर बेग जिह्वा बेग ये समस्त बेग को जो मैंने जय कर दिखती सत्तरे से माने ही जगद्गुरु हो पारे उपदेशामृतरे रूप गोस्वामीपाद कही कि बाच बेगं क्रोध बेगं बाच बेगं मनसः क्रोध बेगं जिह्वा उदर उपस्थ बेगं एतान बेगान जो विषये तधीरः सर्वांमपिमं पृथ्वीं स शिष्यात् ईमान बेगान जो विषय है तो यही बेग मान को जे सहन करनीए सीए ही पृथ्वी की शासन करे बा सारा पृथ्वीर लोक तांकर शिष्यत्व ग्रहण करे बा सीए ही जगद्गुरु हेवार पदवाच्य को बेग छटा कले छटा बेग वचनर बेग मनर बेग क्रोधर बेग जिह्वार बेग उदरर बेग एवं उपस्थ इंद्रिय माने जनन इंद्रियर बेग यही छटा इंद्रियर बेग को जदि जय करि पारिबे तेबे जाई आपण जगद्गुरु हेइ पारिबे किंतु सज्जन ए छटा बेग को दमन करिबा एते सहज साध्य नुह कर्म ज्ञान किछु नाही मोर साधन भजन नाही तुमे कृपामय आमी तो कांगाल
अही तुकी कृपा चाई। कर्म ज्ञान मोर कर्म किंबा ज्ञान ये दीटा जाक किछु नाही मोर। देखंतु भक्ति मार्ग रे काम विजयर पंथा अजामेल कर्म मार्गर ज्ञान मार्गर पथिकत थिले किंतु भक्ति मार्गर न थिले। तेणु कामर बसीभूत हो गले तेणु कहते सत्वम जथा श्रुतम सत्व आ श्रुत दीटा जाक मध्य न ससाक समाधातुम। किंतु ये कहते कर्म ज्ञान किछु नाही मोर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कर्म एवं ज्ञान ये दुटा जाक मोर किछि मध्य नाही साधन भजन नाही। तुम्हें कृपामय आमी तो कांगाल अहे तुकी कृपा पाई चाई। हे प्रभु आपण कृपामय मु कांगाल केवल आपणकर अहे तुकी कृपा को चाहूँगी। आपणकर कृपा पाइबार योग्यता मो निकट किछि नाही। जदि आपण आपण कृपा को मते दबापै योग्यता खोजिवे ताले मो पाखरे अभाव परिलक्षित हो। केवल आपण कृपा जदि अहेतुकी हो जीव आउ मु आपण कृपा को आशा करूँ मते निश्चित देवे। सज्जन आम मैंने चर्चा करुले भक्ति विनोद ठाकुर उपदेशामृतर प्रथम श्लोक बंगला पद को भल सुंदर भाव अनुवाद करके कहते कि वाक्य मनो बेग क्रोध जिहा बेग उदर उपस्थ बेग मिली आए सब संसारे भाषाए दिते चे परो मद बेग। कले वाक्य बेग मन बेग क्रोध बेग जिह्वार बेग उदर बेग उपस्थ बेग। सज्जन ए छटा बेग होचंती तीनटा स्थूल तीनटा सूक्ष्म। सूक्ष्म काहा को कहा जाए जोटा देखा जीवनी। प्रथमटा हूँ वचनर बेग मनर बेग क्रोधर बेग आ तीन टा जहाँ संलग्न अच्छा कहले छटा बेग ही आम को कौन करे मिलिया ए सब संसार भाषाए ए छटा जाक बेग मिसी आम को संसार हाबुडाबु खुआ बुड़ौची उठाऊँ केवल दितेची परम उद्वेग। आम जिते कष्ट पाचे उद्वेग आमको मिली केवल तार मूल कारण हूँ ये छटी बेग। तेणु हे प्रभु अनाथर नाथ आपण आपणकर नाम को मुकुची एवं आपण ही एकमात्र भरोसा। किंतु प्रभु आपण कृपामय हेले एवं ये कृपा करिवार कृपणपण को कौटी केउठी शिखिले आपण आपण कृपामय है कृपा करिवार कृपणपण। सतरे जदि एभली किए भगवान पाखरे शरण पशि जाती आउ भगवान कृपा कर दिंती तेबे जाए जने काम बेग को जीति पारे। तेणु प्रार्थना दीनकृष्ण दास भल सुंदर भाव कर संशय लागिला महाबहु मोर मन रे संशय लागिला महाबहु मोर मन रे कृपा कृपा पर सिखिला कहो कृपा कृपा पर सिखिला कहो ए दिन जन रे संशय लागिला महाबहु मोर मन रे संशय लागिला महाबहु मोर मन रे। हे प्रभु मो मन भितर संशय उठीगला कारण कौन आपण कृपार समुद्र आनहीन आपण ये दिनहीन जन को जदि कृपा न करे आ कृपा करे प्रभु मो संशय उठला कि आपण कृपा करिवारे कृपण हेले कि जी भली भाव दयनीय भाव केवल प्रार्थना करे भगवान शरण नहीं जीवे तेरे भगवान कृपा हेले निश्चित भाव ये काम बेगरु विजय लाभ पाइबे। आतंकी डकिला चीते सुनु थिला कर्ण रे
आतंके डाकिला चीते शुणुथिल कर्णरे गजकु रखिल ग्राह छेदि सुदर्शनरे गजकु रखिल ग्राह छेदि सुदर्शनरे कृपा कृपण कण शिखिल काहु कृपा कृपण कण शिखिल काहु ए दिन जनरे संशय लागिला महाबाहु मोर मन रे संशय लागिला महाबाहु मोर मन रे प्रभु द्रौपदी आपण को चिंता कला कोटी वस्त्र देई हेले लज्जा कल तारण कोटी कोटी वस्त्र अवतार ही ताकू वस्त्र ही दे देले गज केते दूर रे डाक न देला लक्षे योजन रे गज डाकिला हे देवराज किंतु ताकू आपण उद्धार करी चक्र सुदर्शन द्वारा काटी देले किंतु मो भली दिनजन समय को आपण एते कृपण करुचंदी पण कृपारे प्रभु आपण दया ही करंतु कृपा करंतु कृपणपण को छाड़ी दे मो भली दिनहीन प्रति दया करंतु तेबे जाई मु छ वेग को जय करी पारिबे दयाल नेताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन दयाल नेताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन 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 दयाल नेताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन दयाल नेताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन कृष्ण रति बिना जीवन तमिछे है कृष्ण रति बिना जीवन तमिछे है वृंदावन राधे श्याम पावे दरस वृंदावन राधे श्याम राधे दरस गौर कृपा हेले है गौर कृपा हेले है गुरु कृपा हेले है गुरु कृपा हेले है वृंदावन राधे श्याम पावे दरस वृंदावन राधे श्याम पावे दरस दयाल नेताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन दयाल नेताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन दयाल नेताई दयाल गौ दयाल नेताई दयाल गौ दयाल नेताई दयाल गौ जय हो हरि बोल दयाल नेताई दयाल गौ आनंद गौरंग महाप्रभु की देह गोप मन मथुरा आत्मा वृंदावन झुरे हरे हरे प्रार्थना आम आनंदर उत्स